तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और टमाटर को मैंने पहले सेक लिया था, छिलके सेक लिया था, फिर उसके गैस पे रख के सेक लिया था और इसके छिलके उतार दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया है, छिलके को निकाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, टमाटर और थोड़े से फली दाने, ज़ीरा, नमक, हल्दी, जो सारे मसाले थे वो, और हरा धनिया डाल के इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने हरा धनिया तोड़ के, और इसे हम थोड़ा पीस लेंगे। और इसमें जो रेगुलर मसाले रहते हैं वो भी थोड़े थोड़े आप डाल सकते हो। धनिया पाउडर नहीं डालना है, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और ये सब डाल के पीस लिया। और आप जो थोड़ा खट्टा मीठा खाता है वो शक्कर भी डाल सकता है, लेकिन उसमें मैंने शक्कर नहीं डाली थी, शक्कर को अवॉइड कर दिया क्योंकि बच्चे कोई खाता है कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने शक्कर को अवॉइड कर दिया था, शक्कर नहीं डाली थी। बाकी सारा आइटम डाल के और पीस लूँगी मैं इसे। तो बस अच्छे से पीस लूँगी और पीस के मेरी चटनी हो जाएगी तैयार। तो चटनी मेरी बन गई है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ ढाबेली के लिए। तो यहाँ आलू मैंने उबाल लिए थे और उसे मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूँगी, मतलब प्याज प्याज डाल दूँगी यहाँ पे, मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी। और ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पे फली दाने रोस्ट करके। तो फली दाने को थोड़ा मैंने सेक लिया था और छिलके उतार दिए उनके, और वो फली दाने डाल दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे फली दाने डाल दूँगी मैं और हरी मिर्च और सारे ही मसाले मैं इसमें डालूँगी एक एक करके। और जैसा आप का टेस्ट और जैसा आप खाते हो तीखा वैसा आप डाल सकते हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सभी सारे सूखे रेगुलर मसाले। और ये सिका हुआ जीरा था तो मैं ये पीसा हुआ है और सिका हुआ जीरा था तो ये डाल दूंगी मैं इसमें। तो ये देखिए, और नमक डाल दूंगी मैं इसमें और अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। तो हाथ से ही मिलाऊंगी क्योंकि हाथ से अच्छे से मिल जाता है, चम्मच वगैरह से अच्छे से नहीं मिला पाते हैं, इसलिए मैं तो हाथ ही से मिलाऊंगी इसे। बढ़िया। और देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है मेरा मसाला। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी हो रहा है डिनर टाइम, शाम का समय हो रहा है। और मैं क्या बना रही हूँ आज देखो, बच्चे ढाबेली की जिद कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो बना ली जाए ढाबेली, और तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो गांव की सिंपल सी ढाबेली, जो सामान है जैसा है वैसा ही हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए आप लोग भी कैसा बनाते हैं वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलो डिनर में बना लेते हैं आज हम ढाबेली, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हमें ढाबेली बना के दो, तो पाव तो यहाँ मिल जाते हैं तो सोचा कि चलो बना लेते हैं। तो साथ में मेरी जिठानी जी हैं जो काम कर रही हैं मेरे साथ, हेल्प दोनों मिल के हेल्प कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं सॉरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के दोनों हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरी जिठानी, देख लो आप लोग भी मिल लो। हाय करो जिठानी, देख लो आप लोग भी मिल लीजिए। पुतला बनी ना खाया, मिलवाऊंगी आप लोगों से बात करवा। तो ये बना लिया है मैंने आलू का मसाला, इसमें प्याज मिर्ची सब डाल दिया है। और ये रहे पाव, पाव ले आए थे बच्चे, ये रहे। और चटनी मैंने बना ली है तो हम बनाएंगे पाव। तो आज का डिनर बस यही है। तो देख यहाँ पे मसाला बन गया है, चटनी बन गई है और अब मैं काट लेती हूँ पाव। तो ये देखिए ये डबल पाव है, इन्हें मैं बीच में से दो कर लूँगी। और ये देखिए पाव के अंदर वो भी आए हैं, क्या बोलते हैं इसे, गुलकंद, जो पान में डलते हैं ना गुलकंद, जो मीठे मीठे लगते हैं वो इस पाव के अंदर गुलकंद है। तो
तो इससे और ऐसे भी आप पाव खाते रहे तो बहुत टेस्टी मीठा मीठा लग रहा था और बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था इसका। तो ये देखिए सादे भी मिलते हैं और गुलकंद वाले भी मिलते हैं, जो आप लेना चाहो आप ये वो ले सकते हो। तो यहाँ देखिए काफ़ी खाने में बहुत टेस्टी लगे थे, हल्का सा मीठा सा स्वाद आ रहा था। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी चटनी जो मैंने टमाटर की बनाई थी। तो रेट तो नहीं दिख रही है टमाटर की, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि धनिए का चटनी है, लेकिन ये टमाटर धनिए की चटनी थी। तो यहाँ मैं पहले चटनी लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी आलू का मसाला एक ही पे। तो यहाँ आलू का मसाला लगा लेती हूँ मैं, ये देखिए। और इसके बाद प्याज टमाटर और ये सब लगा लूँगी मैं, और सॉस नहीं लगाऊँगी, किसी एक में लगाऊँगी, किसी में सॉस नहीं लगाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते और हमारे यहाँ बड़े भी सॉस नहीं खाते हैं। तो मैं सॉस नहीं लगाऊँगी, लेकिन मुझे सॉस पसंद है तो मैं सॉस लगा के ही खाती हूँ इसके अंदर। और ये देखिए फिर मैं इस जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी चटनी लगा लूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी। यहाँ सॉस भी लगा सकते हैं आप, लेकिन सॉस बच्चे नहीं खाते मेरे यहाँ, इसलिए मैं सॉस नहीं लगाऊँगी। एक बेटा खाता है सॉस, तो उसके लिए मैं बना दूँगी सॉस वाले, और मैं खाती हूँ तो मैं मेरे लिए लगा लूँगी। बाकी जो घर में और भी हो वो लोग सॉस नहीं खाते हैं, लेकिन आप लगा सकते हो और दूसरी चटनी भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं तेल लगा के इसे बढ़िया सा सेक लूँगी बिल्कुल कुरकुरा। और यहाँ पे ये देखिए ये अच्छा सा सिक गया था, और पता है बात करने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा ही सिक गया था, हम लोगों ने एक ज़्यादा ही सेक दिया था पता है बात करते। और मैंने कहा था ना एक में सॉस लगाऊँगी, तो ये मेरे बेटे का बन रहा है तो उसके लिए लगेगा सॉस। तो बच्चियों लड़कियों को पसंद नहीं है मेरी सॉस, लेकिन मेरा बेटा खाता है सॉस, तो उसके लिए सॉस वाला। तो बस और खाने में बहुत यम्मी थे, और आप भी खाइए और आप लोग भी बनाइए और मुझे भी बताइए कि कैसा लगा खा के। तो ये देखिए खाने में तो बहुत यम्मी था, टेस्टी बिल्कुल। तो आप भी बनाइए, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ आप लोग नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक 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 बात के चक्कर में रेड रेड हो गया था और सबको जल्दी जल्दी हो रही थी ना, तो मैंने इधर ये देखिए कितना कुछ ज़्यादा सेक लिया, बात उधर से बात करने में लगी थी, सब बच्चे मेरे आसपास खा के खड़े हो गए थे ना, तो उनके चक्कर में एक तो बिल्कुल जलीज गया था पूरा ज़्यादा ही, मैंने लाभ खाओ जले, सब ने आके मुझे घेर लिया था। तो ये देखिए हमारे ढाबेली तैयार हो गई है, और ये देखिए मैं आपको काट के बताती हूँ। ये देखिए और वो चाय भली जली थी कैसे भी थी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, सभी को बहुत पसंद आए। तो प्लीज़ जले जले को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जो अच्छे अच्छे हैं वो खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए बाय।